हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको नई वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा के ये जो देखिए बीज लगे हुए हैं, अभी ये कच्चे बीज हैं। तो इसका जो पहला पका हुआ बीज मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ऐसे ये बीज इसके से पककर निकल जाते हैं। देखिए ऐसे होते हैं इसके बीज। तो जब ये बीज हम यहाँ पे गार्डन में या कहीं आप कहीं अलग जगह में इसको उगाना चाहें तो अलग भी इसकी जो बीज निकलते हैं, तो आपके पास खाली जगह पड़ी है तो आप उसमें इसको उगा सकते हैं। कई बार ये अपने आप ही झड़ जाते हैं, तो जहाँ भी खाली हुई जगह मिलती है, जैसे हम कच्ची जगह पे इसको रखते हैं तो गार्डन में, तो वहाँ पे इसके जो प्लांट है काफ़ी तैयार हो जाते हैं। तो कई बार ये प्लांट तैयार हुए हैं तो काफ़ी ले जाते हैं यहाँ से। जब इसके प्लांट तैयार हुए, कई बीज भी इसके ले जाते हैं लगाने के लिए गमले में, क्योंकि काफ़ी ही ये लाभदायक है। तो इसकी जो मेडिसिन है, इसकी मेडिसिन मिलती है बाज़ार से, हिमालय कंपनी की जो होती है वो काफ़ी ही लाभदायक है। उसके कैप्सूल काफ़ी अच्छे होते हैं। तो हमने ये जो प्लांट लगाया था उस टाइम बहुत छोटा प्लांट था ये, तो अब काफ़ी 3-4 साल का प्लांट हो चुका है ये। तो इसकी जो पत्तियाँ हैं, इसको हम क्या करते हैं, जब सुबह चाय बनाते हैं सर्दियों में, तो इसकी पत्तियों को हम चाय में डाल लेते हैं। तो ये चाय काफ़ी स्वादिष्ट बन जाती है अश्वगंधा की पत्तियों को डालने से। तो इसका जो पाउडर है वो भी काफ़ी लाभदायक है। अगर आप इसके जो कैप्सूल हैं, जो मेडिसिन की बनी होती है, जो इसकी हिमालय की, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो ये कमजोरी में, जैसे आप घुटने दर्द करते हैं या आपको कमजोरी है, तो आप उसको डेली रात को दूध के साथ लें तो आपके शरीर में ताकत भी बनी रहेगी, और जो है आपके घुटनों में दर्द है या कहीं भी दर्द है तो उसमें भी काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अश्वगंधा जो है प्लांट, इसको अश्वगंधा इसलिए बोलते हैं कि अश्व जो होता है घोड़े का नाम होता है, और गंध जो है उसके पसीने से जो गंध आती है उस तरह से इसमें खुशबू आती है इसकी, अश्वगंधा इसलिए इसका नाम है। तो ये काफ़ी ही लाभदायक प्लांट है। अगर आप घर में लगाते हैं तो इसको, इसकी जो खुशबू है या इसके जो प्लांट है पत्ती काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसके बीज भी जो हैं, आप जितने भी प्लांट बनाना चाहें तो बन जाते हैं। इसके प्लांट काफ़ी ही अच्छे हैं। अगर आपके पास खाली जगह पड़ी हुई है कहीं, तो आप एक बार प्लांट लेकर आएँ तो आपको काफ़ी ही इसके बीज मिलेंगे। तो आप चाहे हजारों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये जो पत्तियाँ हैं, ये अगर आप सुखा के भी रख सकते हैं तो सुखा के इसको क्या करें, आप इसको चाय की जो चाय पत्ती होती है, अगर सुबह नहीं आप इसको इस्तेमाल कर सकते भी ताज़ी पत्ती को, तो आप इसको क्या करें, छाया में सुखा कर इसको पीस कर चाय पत्ती में मिला लें, तो सुबह जब चाय बनेगी तो उसमें ही आप इसका स्वाद जो है पत्ती का आएगा इसमें। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहती थी। तो ये अश्वगंधा प्लांट है, काफ़ी लाभदायक है और काफ़ी ही बेनिफिट है इसमें। तो इसका पाउडर भी मिल जाता है, अगर आप इसका पाउडर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो दूध में घोल कर पीना पड़ता है। कई बार आप नहीं पी सकते तो आप उसकी क्या है जो मेडिसिन है, मेडिसिन आप लेकर आ सकते हैं। उसकी मेडिसिन भी जो कैप्सूल से बने होते हैं वो काफ़ी ही आसानी से खाए जा सकते हैं। तो हिमालय के मैं लेकर आती हूँ, तो मेरे को एक बार घुटने में दर्द हो गया था तो मैंने वही इस्तेमाल किया था। कमज़ोरी, अगर आपके शरीर में कमज़ोरी है तो कमज़ोरी में भी काफ़ी ही वो लाभदायक है, या आपकी कमर में दर्द है तो शरीर में कहीं भी आपको कमज़ोरी के कारण दर्द है, तो काफ़ी ही ये आयुर्वेदिक प्लांट है और लाभदायक है ये, इसकी जो मेडिसिन है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहती थी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो धन्यवाद।